इसमें तो दिखेगा भी शायद से। माइक टेस्टिंग हो रहा है, माइक टेस्टिंग हो रहा है। ज्यादा दिखने दूंगा थोड़ा बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले। मेरा पेन नहीं है यार। मेरा सिग्नेचर है। अगर तुम्हें लगे कि पेन लेके रखा है तो पहले से लिख रखा है हम लोगों ने, नहीं हम लोग भी गाने ले लेते हैं ना, माता जी है ये सब सुन लेना। हाँ बाकी तुम्हारी मर्जी। तो शुरू करें, स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ आपस में बात करते हैं कि आप ऐड से परेशान हैं। अरे हाँ भाई हाँ हाँ कौन कहेगा। मैं कहता हूँ तो पूछना क्या आप ऐड से परेशान है। हम लोग बोलेंगे हाँ भाई हाँ। ठीक है डायरेक्ट बोल लो ना कि हाँ आजकल यूट्यूब बहुत ऐड आ रहे हैं। क्यों भाई क्या आप ऐड से परेशान है। अरे हाँ भाई हाँ भाई आपकी माँ का थोड़ा गलत कर दिया आपने। थोड़ा अच्छे से करो यार। खींचना पड़ेगा हल्का खींच के ना। तो नहीं चलो मैं करता हूँ, तुम लोग मैं पूछूंगा। हाँ तुम लोग बोलना ठीक है। नहीं मैं पूछूंगा तुम बाकी बोलना ना, क्योंकि बोलना तो पूछना तो एक ही लाइन है, उसके बाद तुम अपना बोलते रहना। नहीं नहीं जिसने पूछा है कि आप ऐड से परेशान हो फिर वही पूरा डिलीवर करेगा। और हमारा इसका रोल क्या होगा। हाँ भाई हाँ भाई हाँ ओके ठीक ये तो ज्यादा अच्छा। तो शुरू करें एक थ्री इंट्रो। क्या आप लोग ऐड से परेशान है। हाँ भाई हाँ। तो स्वागत है आपका एक ऐसे चैनल पे जहाँ पे आप वीडियो शुरू करोगे और ऐड नहीं मिलेगा, सिर्फ कंटेंट मिलेगा और मजा। तो स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, कैरी नाटी के चोदे ये हम काट देंगे। तो आज हम लोग रिएक्ट किस पे करने वाले, आज हम लोग किसकी लेने वाले हैं। आज हम लोग लेने वाले हैं किंग भाई की रिएक्शन। मतलब हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें फर्जी का उसमें से कमियां निकालनी। तो किंग का एक नया एल्बम आया है, तुम्हारा मन है उसके ऊपर करने का। मतलब हमारा मन है तुम्हारा नहीं। एल्बम का नाम है न्यू लाइफ जान ना पिया। वो गाने का नाम है। गाने का नाम है तू जाने ना पिया। गाने एल्बम का नाम है न्यू लाइफ। और ये गाना क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें वीडियो थी। क्योंकि इसमें वीडियो थी। और वीडियो को तो हम लोग गलती पकड़ते हैं इसलिए। बाकी तुम लोग समझदार आई हो। और ये रिलीजर वीडियो में लोग डेट कर सकते हैं, वो मे बी अभी आगे आ भी सकता है, बट अभी हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब उसमें वीडियो में फोकस कर रहे हैं। देख रहे हैं लोगों ने पैसा खर्चा किया है तो कहां बर्बाद किया। हाँ। बाकी तुम लोग बताना, सजेस्ट करना अगर मजा आता है तो। नहीं करो तो हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट सॉन्ग क्या रोस्ट करना हम लोग को, या फिर फीडबैक देना है वो बताओ। आपको अगर चाहिए कि किसी की क्रिएटर की हम लोग उस पर फर्जी में कमियां निकाले तो आप वो उसके लिए बिल्कुल नीचे कमेंट कर दो, या फिर हम खुद ही ढूंढ लेंगे काहे परेशान हो। बाकी हमारा काम ही यही है, अब से यही हमारा धंधा है। लोग वीडियो बनाएंगे और हम खोजेंगे सिर्फ कमी। धंधा धंधा बोल दिया और धंधा धर्म है। तो हम लोग अब बहुत हो गया बकचोदी है ना, शुरू करते हैं। स्पेस का भी इशू है, आईफोन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बोल दिया था स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, किसी बकचोदी के, बकचोदी के, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं भाई। तो तू जाने ना पिया, जाने में तो ई होता है ना, तू जाना ना पिया, तू जाना ना पिया, तो जाना ना पिया मतलब उसको जाना नहीं चाहिए। डोंट गो, हां डोंट गो पिया। ठीक है तो इसको हम लोग प्ले करें। चलो शुरू करते हैं। बकचोदी बोला था बिना बकचोदी के ना देखो। भाई आपको एंड मिले मगर ये तो मिले। हाँ अब आज का ही है भाई, तुम ऐड देख के बोर हो से चाम लोग को देख लो ठीक। इसमें आवाज बंद है, कनेक्ट नहीं है। कनेक्टेड तो है। अरे इससे कनेक्टेड किया तो था यार, अभी तो प्ले कर रहे थे इतने सारे गाने। एवरी टाइम म्यूट पे लगाइए, नहीं तो म्यूट टाइम दिख रहा है। उसको निकालो, ऑक्स निकालो उसकी गाने। ये तो होना ही था भाई। तो
जो हमारी इसी से स्टार्ट होती है परंपरा प्रतिष्ठा अनुसार लौड़ा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा तुम ऑडियो निकाल वो निकाल दे जैक तो लगा दो तुमसे तुम ही तो बोला निकाल वो तो इसके लिए चेक करना था ना इसको देखा अब यहाँ से चेंज कर लेना स्विच कर सर बात जाता है हम लोग का सामना इसके बगल से कनेक्ट हो गया वो ठीक है समझ गया बट फिर बार बार ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती ना तो सारी बकचोदियां हमारी खत्म हो गई हैं भैया बैक ऑन द ट्रैक ओ टेक्निकल टीम ने काम कर दिया अपना आगे एक लाइन वी बैक ऑन द ट्रैक जिसका ट्रैक टूटा हुआ है क्या नाम क्या लिखा है नंबर आया कुछ लिखा रहता है पहले इसी को पकड़ लेते हैं ना नंदू करी कुछ तो लिखा रहता है क्या है नंदू केक्स एंड बेक्स हां अच्छा इनका बहुत पहले का प्लान रहता है क्या बचपन का प्लान बेकरी वगैरह वाला से कैमरा भी नहीं आएगा अभी तो नहीं आ रहा पक्का ये तीन सेकंड आगे कैसे निकल चलो शुरू करते हैं फिर से तो गाइस स्टार्ट है नंदू केक्स एंड बेक्स ये किसी दुकान रहती है इसके पापा नहीं हमारा नंदू बेड़ा है ना एक जान पहचान का गाना ना या तेरे आगे जाने से बेचैन है कैंपस कैंपस की दलाली हो रही बहुत भयंकर भाई खाया पैसा था रण बेस्टर बन गया ना उसका अच्छा रहती दुनिया मेरी हो तुझे कैसे ये बताए हमने क्या क्या देखा कैसे लोगों से रिश्ते थे कैसे थे मेरे करम हम कहीं खो ना जाए डर है रहता तू हाथ थाम के मेरा बस तोड़ दे भरम यार एक सेकंड इसमें मैं पीछे थोड़ा करूंगा इस सीन को यहां से देखना ठीक है फिर मैं पॉज करके एक मेरी टिप्पणी है क्या पता वो गलत हो सुन लो तो यहाँ पे जब वो बोल के गया कि एक मिनट में आ रहा हूँ तो ये इतना पूरा सैड हो गया झटिया के बस में जा रही हो पीछे मुड़ के ऐसे देख रही कि कहाँ चला गया ऐसे क्यों किया वेट कर सकती है गया है तो आएगा ही बस निकल ले ना उसको निकल रही है उसकी उसको लेट हो रहा है ना बस निकल रही है हाँ। लेट हो रहा है तो भाई कॉल कर लो कुछ कर लो कि क्या हो गया तुम कहाँ गए वो सोच रही आ रही हो इंसान हो ही जाता है बस निकलती है और किसी का वेट करना हो तो फिर लड़की हो लड़कियों का आईक्यू लेवल कम रहता है ना सारा क्या आती ना वो लौंडा तो आएगा ही भाई लौंडा है ना वो लॉयल है वो अच्छा तो वो ग्रांटेड लिए इसीलिए मुड़ के देखी अभी तो उसकी उम्मीद है कि आएगा झाटू है तू जाना ना पिया ये लेने क्या गया भाई चिप्स इसके लिए इसने चिप्स बोतल पानी का ये सब भाई तुमने वो देखा था जब ये बैठा था चेयर पे दोनों मतलब एक पास पास में तो ये जब उठा था तो इसका रिएक्शन ऐसा था कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज भूल गया अचानक मुझे लगा कि भाई माँ के कंगन वंगन ला के पहना देगा कुछ ऐसा कर मुझे इम्पोर्टेंट चीज लेके आएगा थोड़ा सहमा हुआ था इसको अटेंशन चाहिए था ऐसा मतलब थोड़ा फील कराना था कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं भाई मुझे भी यही लगा कि अब ये इतना जैसे तुमने बोला कि लो फील कर रहा हूं टेंशन तुम्हारे आने की वजह से हां तो ये वैसे क्या मुझे लगा कंगन पहनाएगा थोड़ा बुकिंग कर लेगा लड़की की अभी अब तुम बुक दो माता जो ऐसा है वैसा रिजर्व कर लिया लाया गया जैसा कि इसने बोला चिप्स और वो कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये तो यार थोड़ा दिखा रहा है कि हां तुम जा रहे हो मुझे सैड फील हो रहा है रास्ते में भूखी मत रहना अब इस वीडियो को लड़कियां देख के बोलेंगे कि दीज आर द टाइप ऑफ जेंटलमैन मतलब लड़कों में ये बिहेवियर होना चाहिए फिर लौंडे इसको बोलते हैं मीठापन वो तो होता ही है अब यार वो घर से जा रही है कहीं तो वो अपना खाना पैक करके ले जाएगी चिप्स की जरूरत है पेट खराब करने के लिए चिप्स दो उसको
लड़कियों को चाहिए ना सारी चीजें खुश रहे, 10 रुपए का आता खरीद लेंगे आगे जाके लेना खाए, बट उसको फिर भी ये चीज चाहिए होती है लड़कियों को कि ऐसा कोई करे उनके लिए, लिए कुछ करे, कोई ऐसा सोचे। अभी वो रोटी सब्जी पकड़ा लाएगा ना तो कह दे ये क्या लेके आओ मेरे लिए, भले घर से दाना पैक करके लाई होगी, रोटी लाई है ना, चार रोटियां गुड़ के साथ लाई होगी, अभी चेपूंगी मस्त उनको रोल करके और इसको लेके जाएगी अपने भाई के लिए, मुझे पता है भाई अब बैंगलोर जा रही ना, अब तो भाई यही छूट गया भाई, तो अबे तो वीडियो देख ही नहीं रहो यार, बात क्या समझे नहीं बैंगलोर में भाई आएगा तो देखेंगे एक साल तक वो ओ इसका मतलब तो ये ऐसा करता है, देता है जाके उसकी जो बंदी होती है भाई को देता, ऐसे होता ना साथ ना, बंदी तो लो दे देंगे उसको भाई को, तो चाहे अपने सैया को, तो हमें क्या मतलब है सैया और क्या भाई, दूसरा पास रखी हो तो नहीं, इतना गलत नहीं बोलूंगा, सॉरी सॉरी गर्ल्स बोल दिया फॉर माय डिफॉल्ट, फिर डालना है ये तो पड़ेगा, ये कट नहीं होगा और ये वीडियो मैं सेंड भी करूँ कुछ लोगों को, गर्ल्स उन्हीं गर्ल्स को भेजूंगा जो देखेंगे। तुम कह रहे थे अभी इसको लेट हो रहा था इसलिए ये सक पकाई हुई थी, तो ये क्या बावड़ चोत पना है, ये क्या तरीका होता है लेट होने का, उसने कोल्ड ड्रिंक ला के दिया, थोड़ा लब तो दिखाएगी ना अब तो यार, हाँ थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना, खर्चा हो गया अगले इंसान का, तो करना है ना भाई कि तुम दौड़ के गए वहां से मेरे लिए लेके आए और अब मैं कोल्ड ड्रिंक लो बस में बैठ जाऊँ, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ये मतलब कोल्ड ड्रिंक कर रहा हूँ किंग अपना, मतलब पहले से प्लान किया हुआ था कि कोल्ड ड्रिंक दूंगा तो हक मिलेगी जाने से पहले, कोल्ड ड्रिंक दो झाट भर हक करो रात भर, क्या पता लड़की सिंपैथी शो कर रही हो लब का कि हाँ मैं जा रही हूँ, थोड़ा मतलब हक दो झाट भर कोल्ड ड्रिंक लो रात भर कौन किसके हिसाब से क्या है मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो भी तुम समझोगे मैं ही बोला हूँ ना शुरुआत किसके हिसाब से क्या है बताओ जल्दी, आई एम सरेंडर माय मैटर में किंग के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक दो झाट भर हग लो रात भर, या लड़की के हिसाब से है हग दो झाट भर कोल्ड ड्रिंक लो रात भर, कोई नो कमेंट्स भाई, किसी के हिसाब से तो कुछ होगा ना यार, ये बता देंगे ना भाई, तुम कमेंट कर देना क्वेश्चन सॉल्व करना भाई, बड़ा कठिन है हम लोग समझ जाता है इतना प्यार पहचो, लेकिन ज्यादा नहीं दिखा दिया भाई इसमें भाई, इतना प्यार दे दिया, अबे क्या पता करना पड़ता है यार, हाँ भाई करना तो पड़ता होगा, अबे तो जैसे ये काट रहा है इससे थोड़ी काटते हैं इतना प्याज, या तो ग्राइंड करेंगे मिक्स करेंगे या तो फिर उससे लेंगे कटर से काटेंगे, इतना प्याज कौन काटेगा भाई, भाई काम है करना पड़ेगा, इतना प्याज थोड़ी यूज होता होगा भाई, होता भी होगा तो मैं पता लगा सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है होटल मैनेजमेंट में ओमेगा मशी, अबे नहीं वो तो ठीक है तो मेरे दोस्त क्या से पर डे कितने प्याज काटते हैं, काटना पड़ता है क्या, वो होटल मैनेजमेंट कर चुका, कर रहा हाँ कर चुका है, इंटर्नशिप भी हो गई उसकी, ज्वाइन कर दिया ऐसा सर ऐसा सर लेकिन होटल्स वगैरह में मशीन से ही करते होंगे क्योंकि हाथ से इतना तो कोई, अबे भाई तो एक इंसान थोड़ी काटा जाता है, हाँ यार लगे रहते होंगे और क्या क्या यार, बड़े सिरान आदमी है यार किंग, तुम माता चोद सही में खाना ही बनाओगे फिर, अगर ऐसा वीडियो बनाओगे माता चोद सही प्याज कटवा दिया जाएगा फिर बोलोगे नंबर टू, नंबर टू तो किंग ऑन द टॉप, किंग ऑन द टॉप, ये सब बातें लास्ट में करेंगे, जियान फर्स्ट है, जियान भाई जियान कौन था मलिक, बनावटी बन रहा है तुरंत, गुड़िया बोली हट माता चोद, मुझे वो नाम मिला जिसकी मुझे थी कमी, पर अब समझ आया ये बंदा लव में अपना काम छोड़ के उसको कॉल कर रहा है, तो वो भी रिसीव कर सकती है ना अपना ब्रेक करके, क्या उसका तो यार, ये का? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब है ना किंग की, यहाँ पे तुम अपना भी काम नहीं कर रहे हो, दूसरे तो को भी नहीं कर रहे हो, तो वो शो कर रहा है यार, तो वो यार मीटिंग छोड़ दे क्या, ये हम कैसे कैसे तो उसमें छोड़ा ना, उसने क्या कमाना था, प्याज काटना था माता, उसको चाटो भाई, और भी काम हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन उसने यार उसको टाइम मिल गया ना, उसको रोक रहा था क्या, अब आ जाए तुरंत भाग के गया ऊपर, प्यार को भी रिसीव कर सकती है, अरे यार मीटिंग कैसी बात कर रहा है जितने अचार है इसको जॉब, एक तो प्याज काट रहे हो
तो मैं माता-चोद मतलब नहीं किसी चीज से, और वो इतना अच्छा खासा है, वहाँ पे मीटिंग चल रहा है कुछ माता-चोद उन लोग का चल रहा होगा कि क्या खाना है कहीं, इन्वेस्टर इन्वेस्टर कुछ भी हो रहा होगा, एचआर अपना वो फ्राइडे का नहीं लोग कुछ फन फ्राइडे करवाते हैं, उसकी मीटिंग चल रही होगी, हाँ तो फन फ्राइडे ही होगा, तो फन फ्राइडे की मीटिंग चल रही है, तुम कह रहे हो माता जो तुम फ्री बैठे हो, तुम मैं बता रहा हूँ दारू की प्लानिंग चल रही है और कुछ नहीं, फ्राइडे की शाम को तो फन फ्राइडे की प्लानिंग होगी ना, और क्या शाम को एक फंड होने का मन है। ठीक है भाई कंटिन्यू करते हैं। जीना मेरा है तुझसे ही, बस भूल नहीं पाए हम, बर्बाद कहीं ना छुप सकी। ये बताओ यहाँ पे इसने उस लड़के को मैसेज भेज दिया इतना सारा और फिर उदास बैठी है, तो यहाँ पे तो ये कॉल करके एक बार चेक कर सकती है ना कि क्या टाइम तो उसको मिल गया था ना, यहाँ पे करना चाहिए था ना इसको, बंदे ने टेस्ट मैसेज कर रही है, मतलब कॉल कर लो, अगर वो बिजी होगा तो नहीं उठाएगा, तो तुम भी समझदार बन जाना कि हाँ भाई बिजी है अभी, और फोटो लगा दी तुरंत, हाँ वो चिढ़ा हुआ है, मैं भी मूड ऑफ है, हैविंग फन क्यों लिख दिया उसने भाई, वो तो बैठे थे अंदर का है, हैविंग फन तो इसने लिख के भेजा उसकी स्टोरी पे, रिप्लाई किया किंग ने, अच्छा किंग ने भेज के मोबाइल रखा जेब में, हैविंग फन और क्वेश्चन मार्क डाला ना उसमें, तो ये तो इसने उससे पूछा, पोस्ट की फोटो इसका समय है वो पास, मगर ये नहीं कि वो फोन करके पता कर ले। मैं कल्प्रिट नहीं हूं यहां पे भाई, लेकिन ये गलत बात है, उसके पास टाइम था उसको कॉल करना चाहिए था कायदे से, अगर नहीं मतलब वो खाली है ये खाली है कि नहीं पता नहीं, तो कॉल तो करे बार चेक कर, बंदा भी मैंने खाली टाइम में कॉल किया ही था ना, हाँ वही तो, और उदास होके बहन जो स्टोरी कौन लगाता है, तुम कभी इतने उदास हुए हो कि तुम्हें मतलब एक फोटो लगानी पड़ी इंस्टाग्राम पे कि अब मैं माता चोद फोटो लगा के ही सुकून मिलेगा मुझको, तुम्हारे साथ हुआ कभी ऐसा? लगाते नहीं, वही लगाते ही नहीं है, खुशी में भी नहीं लगाते हैं, या कोई ऐसे ओवर चीजें अचीव कर ली तब भी नहीं, सिर्फ ट्रिप ट्रिप पे गए ट्रिप लगाते हैं तब उसी का एक कुछ अचीव किया कुछ किया तब नहीं लगाना है, क्या अचीव किया पता नहीं, बट फिर भी दुखी में माता चोद फोटो लगा दे करे तुम, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होगा, ऊपर से मैटर हुआ हो दोनों में, मैटर हुआ हो पहले से जब पता है कि इस चीज से, या तो फिर इसका साफ साफ वही था कि हाँ जलेगी उसकी गांठ इसलिए मैं लगा, ये कर सकती है एक मेन रीजन, ये हो सकता है, इसके अलावा अगर कुछ तुम निकाल सकते हो तो बताओ, ये हो सकता है, मैं ज्यादा कमी निकाल दूंगा इसलिए निकाल लो निकाल लो, एडिटिंग तो अपने हाथ में, आप पास हो एडिटर से थोड़े थोड़े देखो चूहा मांस होता है यार, लड़की मांस होती है उसकी, हम चूहे पर दोनों कुतर देती हैं, काटना दोनों का काम है, दोनों काटने का चूहा काट रहा है लड़की कुतर रही है इसको धीरे धीरे, सही है फिर तो चले चलते आगे। तोड़ दिया भाई फोन, लड़कियां इस चीज में तेज हैं, लौंडा नहीं समझा उसने तुरंत अपना जो सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल एप्पल का था उसका टैग दिया था कुछ पटक दिया उसको भाई, फ्रस्ट्रेशन है तरह, ये आई अपना बैठी एक फोटो निकाल के फेंक दी, फोटो किसकी थी एक बार देख लेते हैं साथ की होगी, पर लड़की का भी है सीन पीछे करो, लड़की ने भी अंदर पार्टी चल रही है, हाँ पार्टी छोड़ दी है, पार्टी छोड़ के बात कर रही है, हाँ साथ वाली फोटो, साथ वाली फोटो ये वाली क्यों लड़ाई, ये वाली तो पुराने जमाने की है ना, इसमें गहरा प्यार था ना, तू जाना ना प्यारा तेरे बिना कोई ना यारा, तू जाना ना प्यारा, ये मेरे घर बन गया है भाई, जैसे यहाँ पे ये लड़की गुस्सा दिखा के चली गई, अगर तुम अब उस जगह पे होते लड़की की जगह पे एक लड़का मतलब तुम हो, ठीक है दोनों लोग अपने हिसाब से अपने आप को इमेजिन कर लो, और लड़की वहां पे आई है अपना स्कूटी से जिससे भी तुमको लेने के लिए झगड़ा हुआ हुआ है, तो तुम उस समय मतलब देखोगे कि हाँ वो रिसीव करने आई है तुमको, तुम मतलब अच्छे से जाके मिलोगे ना उससे, कि भाव खा के तुरंत ऐसे दो बार कुछ ला के निकल जाओगे कि हम बात करेंगे, लौंडे ऐसे नहीं होते यार, लौंडे थोड़ा इस चीज में समझदार होते हैं, लोग बोलते हैं इमोशंस की कदर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है लौंडों के अंदर, और वो लोग बताते हैं कि लड़की को ज्यादा इमोशन होता है कि लौंडे भरे होते हैं,
कि जहां लग रहा है लग जाने दो, आ रही है व्यवस्थाएं लगे इस चीज को ऐसे कुछ ने दोबर मनाई लेंगे और क्या होगा बुराई तो मानेगी फिर मान जाएगी, लगे हाथ जो बने उसको बना लो। बंदी को चाहिए अटेंशन, इसलिए देखो उसने पहले हल्का मुस्कुराया उधर के, ठीक हाँ। अगर इतनी गुस्सा होती तो उसको मुस्कुराना चाहिए था, डायरेक्ट उधर के चली जाती और बाल भी साइड की हाँ। मतलब की हाँ इंटरेस्ट दिखा रही है, तुमने हल्का मुस्कुराया फिर उसने थोड़ा दिया कि हाँ के बैठो साथ में, फिर तुम चले गई, फिर मुस्कुराती नहीं ना तुम, इतनी नाराज हो तुम। ये इसने गुल्लक गा रही है और फिर अभी पार्टी हो रही है, गुल्लक कोड़ पार्टी कर रही है क्या? गुल्लक का बचपन वाला है, किंग्स रेस्टोरेंट लिखा हुआ है ना उसमें, तो इनका बचपन का प्लान रहता है पैसा इकट्ठे करने का, मतलब उसके लिए वो रेस्टोरेंट खुलवाएगी घर के, हाँ वो भी इकट्ठा कर रही है, कहीं ना कहीं प्यार है। हाँ पहले फोन करती थी ना कैंपस, दलाली हो गई इसके हाथों से भी दो, वो दलाल पहले डाल देंगे रील बट फिर भी भाई गलत बात है ये, और पीछे करो दलाली हो गई भैया कैंपस की, मैं कह रहा हूँ ब्रांडी लेना तो कोई अच्छा ले लेते मैं तो एम्बेसडर जिसका पैसा दे रहा वही तो करेगा वो, इतना पैसा वाह भाई, इसमें लिखा था पाकी भाई, ये गले किस भाई मुझे ये बताओ ये कार्ड दिखाने के बाद ही गले क्यों मिली, ये गले किस बात में मिली, अभी हमें कार्ड में देखना पड़ेगा ना, करो पीछे जरा एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग। किंग्स रेस्टोरेंट, किंग्स रेस्टोरेंट पीछे कागज लिखा पाकी, पाकी अर्पण पुराना बचपन का होगा। वाओ ये क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ पाकी किंग रेस्टोरेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ, ओ माय गॉड मैं तो समझ ही नहीं पाया ये का बना दिया, अरे सीईओ बनाया है, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लोंडे ने पैसा खर्च किया जो भी किया सब कुछ अपनी मराई क्या भाई, लड़की ने भी तो पैसा घटा गुल्लक में किया ना, वो झाट झाट भर के गुल्लक थे पांच, तो सपोर्ट नहीं हो, दस रुपया तो आया होगा उससे, पचास रुपया दी है वो तो सिर्फ दस ही उम्मीद की उससे, चिल्लर चिल्लर डालेगी ना, बाकी तो कोल्ड ड्रिंक पहले पी गई ना वो तो उसके पैसे कहता था, किंग लेके आया था वही तो कह रहे वो पैगर ना पीते तो गुल्लक में आ जाते ना, किंग ही इसको पैसे देता गुल्लक में डालने के लिए, सवाल है अब मैं यहाँ अपना चलाऊंगी क्योंकि वहां पे तो अचार थी, तो फन फ्राइडे बनाओ और खुद मजे न ले पाओ, कहने मतलब योगी पोस्ट पे बैठे को काटेगा प्याज, वो यहाँ पे प्याज ही काटेगा, ये सब कुछ मैनेज करेगी, जिसका जो काम है वही करेगा, वेल प्लेड वेल प्लेड। फिर किंग ने इसको फोन किया, ये उठा नहीं पाई मीटिंग, जेन्युइन रीजन ठीक है, इसने मैसेज डाल दिया कि भाई ये वो इसने अपडेट कर दी स्टोरी, हाँ स्टोरी अपडेट कर दी, तो किंग थोड़ा था तो बुरा लगेगा, लगे ऑन जॉब ऑब्वियसली बात, हाँ उसके बाद ये लोग की बहस हुई आपस में ठीक है, तो उसका ये जब लौट के आई तो ये उससे मिली नहीं, किंग ही क्यों मना रहा है उसको, गांडू ने फोन भी तोड़ दिया था, गुस्सा तो दोनों होना चाहिए, गलती तो अगर देखा जाए तो बंदी की है क्योंकि उसको बाद में टाइम मिला कॉल करने के लिए, अरे उसके बाद जब तुम आ गए तब तो कम से कम वो चीज छोड़ दो जो पहले छूट गई, बंदा खड़ा भी है तुम्हारे लिए, बात तो क्लियर आउट कर लो, गलती इसमें किसी की कर ले भाई, तुम ही ने सब कुछ, जो लड़की बस से आना जाना कर रही है उसको सीईओ बना दिया है, तो लड़ा उसका वो लाल बस थी सरकारी बस, दूसरों के पैसे के चिप्स खाने वाले सीईओ बनना है बिना मेहनत किए, पचास रुपए इकट्ठा करके गुल्लक में क्या होता, सिर्फ नाम ही लिख के रखी होती, दो 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 सब डाल देती है, बंदा खड़ा होकर दो में घर रेस्टोरेंट बनवा रहा, क्या करे यार, आएगी लेके चली जाएगी क्या, भाई सिर्फ लड़कों के पैदा होने के लिए दुआ मांगा जाता है बस, उसके बाद सिर्फ लड़के मराते ही है पूरी लाइफ, पैदा होने की खुशी होती है लड़कों की बस, ढोल तभी बजता है लड़कों के नाम,
बसते फिर वो खुद बसते लड़के ढोल हो जाते फिर हर जगह तुम लिखो देखोगे लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ हर जगह लौंडे गांड मराओ कभी तुमने सुना है लड़का विद्याधन हर जगह कन्या विद्याधन होता है कन्या विद्याधन मतलब मैं समझा नहीं लड़कों के लिए आता है ना पैसा क्योंकि पहले लड़की फिर मेरे पास ही है तो भाई वीडियो और गाना तो सुन लिया लोगों ने देख भी लिया तो अभी क्या फीडबैक है क्या कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा गाना सजेशन सजेस्ट करो किसी को सुनने के लिए या नहीं करो क्या कैसा लगा सजेस्ट तो नहीं करूंगा बट अपने तरफ से मैं रेटिंग दे सकता हूं तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं तो रेटिंग में आज हम लोग पास केवल 3 लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग पास 3 पॉइंट है और बच्चे को 2 पॉइंट हम लोग अपने ऑडियंस को देते हैं वो लोग ऑडियंस जो अपनी है वो अपना 2 पॉइंट में से उसको जस्टिफाई करेगी कितना वो देना चाहती है ऑडियंस को उन्होंने दूठन दिए क्या उनको तो ज्यादा दे दिया लोगों ने हम लोग एक ही रख के उनको 2 दे रहे हैं तो भाई जोक्स अपार्ट तो मेरे तरफ से एक पॉइंट है ऑडियो मतलब लिरिक्स वीडियो के काफी अच्छे थे वीडियो कह रहा हूँ लिरिक्स अच्छा था और वीडियो भी ठीक ही बनी हुई थी खराब नहीं है सजेस्ट करना मतलब ये ज्यादा हो जाएगा लपट को सजेस्ट कर सकते हो फीडबैक कर सकते हैं आप नहीं सजेस्ट करेंगे किसी को बट हाँ ये है कि खुद मैं सुन लिया करूंगा कभी कभी गाना अच्छा है बाकी तुम अपने साथ देख लेना क्या करना है हाँ। एक नंबर देंगे तो एक नंबर भाई का एक नंबर आ चुका है भाई मेरी तरफ से तो एक नंबर है क्योंकि मैंने गाने को एंजॉय किया अच्छा लगा शूटिंग वगैरह मतलब उनका जो है फेस एक्सप्रेशन वगैरह मतलब गाने में और वीडियो ओवर एक्टिंग में आपको कुछ कमी नहीं लगेगी मेरी तरफ से ओवर एक्टिंग चीजें जैसे छोरे हरियाणा वाले में कुछ ज्यादा हो गया है वैसा इसमें कुछ सीन नहीं है एंजॉय करोगे भाई एक रेटिंग है हमारी तरफ से फुल तो भाई मेरी तरफ से भी एक पॉइंट है क्योंकि मुझे वीडियो अच्छी लगी और गाना भी अच्छा लगा सुनने में जब जेन्युइन चीज़ें दिखाई गई लॉन्ग डिस्टेंस वाली तो ओके है आप लोग देखो एंजॉय करो चीज़